रास्ते में शहजाद भाई भी मिले थे, लेकिन आप ही वो आपसे नाराज हैं, आपको पता है। सुबह दादू ने उन्हें कहा कि स्कूल से वापसी में घर चक्कर लगाना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो आ बेटा, अब रख दो। दादू, शहजाद क्या वाकई मुझसे नाराज है? वो क्यों नाराज होगा, वो तो बहुत समझदार है। लेकिन दादू, सिला कह रही थी कि वो मुझसे नाराज है। सिला जो कहेगी उस बात का तुम यकीन कर लोगी, और जो मैं बता रही हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आता। चलो बहुत वक्त हो गया है, अब सो जाओ, मैं गेट को ताला लगा कर आ रही हूँ। जी दादू। पराठा। फरमान, अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो आप बता के अपना बोझ क्यों नहीं हल्का कर लेते? तुम बताती हो सब मुझे, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? खुद सोचो ऐसा क्यों कह रहा हूं। अगर तुम मेरी परेशानियां भांप सकती हो तो क्या मैं तुम्हारी परेशानियां नहीं भांप सकता? और अगर मैं कोई बात छुपा रही हूं तो वो आपकी बेहतरी के लिए छुपाऊंगी ना। अच्छा ठीक है। फरमान, बिला वजह मूड ऑफ कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आओ बेटा नाश्ता कर लो। आप प्लीज से नाराज ना हो। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं तुमसे, मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मेरी बेहतरी के लिए तुम मुझसे बातें भी छुपाने लगी हो, चाहे वो कितनी अहम बात क्यों ना हो। अगर अहम बात होती तो मैं आपको बता देती। तो उसका मतलब कोई बात जरूर है, है ना? दरअसल फरमान, वो कल जब शहजाद स्कूल से वापस घर आए ना तो मैं देखी। झूठ बोलकर मुतमईन करने से बेहतर है बात मत बताओ। Love is.